नमाहिश्वाय दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 अगस्त 2024 की 7:32 पर भुवन भास्कर सूर्यदेव कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 सितंबर 2024 तक ये सिंह राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या क्या सावधानी आपको जीवन में रखने की आवश्यकता रहने वाली है और किन किन क्षेत्रों में सूर्यदेव आपको शुभता देने वाले हैं। देखिए, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों, जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। सूर्य के बलवान होने पर जातक के अंदर मनोबल, आत्मविश्वास, लीडरशिप क्षमता की प्रधानता होती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक करियर में शीर्ष मुकाम पर पहुंचता है और जटिल काम को करने के लिए भी दृढ़ संकल्प मन में हमेशा बना रहता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से रिश्तों में सहयोग, पिता का समर्थन और जीवन में सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक कामों में कम प्रयासों में ही जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। वहीं सूर्यदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो, कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, पीड़ित सूर्य के प्रभाव से आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डी टूटने की समस्या, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, पिता के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ता है तथा जीवन में करियर में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। धनु राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और 16 अगस्त 2024 को ये आपके नवम घर में यानी आपके भाग्य भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। यहां पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता और शुभता मिलने वाली है। सूर्य प्रभावी होंगे, आपके भाग्य भाव पर बलवान होंगे, तो सबसे पहले इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में भाग्य का समर्थन मिलने वाला है। पूर्व समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम घर पर जाने वाली है। ऐसे में इस समयावधि में जो जातक कार्य व्यवसाय के सिलसिले में विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, यह विदेश से आपका कोई भी कार्य व्यवसाय संबद्ध है, विदेशी स्रोतों से लाभ की संभावना भी यहां पर आपके जीवन में बनने वाली है। जिन जातकों का खुद का व्यापार है, उन जातकों के जीवन में प्रबल लाभ और शुभता आपको आसानी से मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में जिन भी धनु राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, देखिए, जीवन साथी का समर्थन आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में भी
समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। इस समयावधि में आप किसी धार्मिक क्रियाकलाप में जुड़ने के लिए समर्थ रहने वाले हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए संभव आपके लिए रहेगा। साथ में इस समयावधि में तीर्थ स्थल पर जाने के लिए भी आप समर्थ हो सकते हैं। और आर्थिक जीवन के लिहाज से समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आर्थिक जीवन को लेकर बनी हुई है, धन को लेकर उतार चढ़ाव बना हुआ है, आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं धन से जुड़ी हुई समाप्त होने वाली है। और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है। ऐसे में सेहत के मामले में साहसिक काम आप करते हुए शारीरिक रूप से नजर आ सकते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या स्वास्थ्य के नजरिए से बनी हुई है, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्य को जलाभिषेक करना और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। अपने पिता के साथ अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।